अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक स्वीट डिश, सूजी का हलवा भी कहते हैं इसको और मखंडी हलवा भी कहते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। 1 कप हमें चाहिए यहाँ पे सूजी, 1 कप शुगर और 1 कप हिम मिल्क। यहाँ पे ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं और आपने ये देखना है कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम क्वांटिटी में है। और यहाँ पे मैंने एक ही मयरिंग कप लिया है। इसी मयर आप जिस भी चीज़ से मैयर करेंगे उसको, ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है वो हमें सेम क्वांटिटी में ही चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल, यानी ऑयल या देसी घी जो भी आप यूज़ करना चाहें, वो भी हम इसी कप से मैयर करेंगे, वो भी हमें 1 कप चाहिए। ये हो गए हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ही मिल्क। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ग्रेजुअली मिक्स करना है इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए। और ये मिल्क कम नहीं होना चाहिए, तकरीबन इतना मिल्क हो, क्योंकि सूजी को डिसॉल्व होने में और इसमें जब सूजी को हम थोड़ी देर भिगोएंगे तो ये थोड़ा सा मिल्क जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। इसको 1 आवर के लिए हम रेस्ट दे देंगे। इसको मैंने सेट असाइड कर दिया है। और यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, इसमें मैंने 1 कप जो है वो देसी घी ऐड किया है। सूजी का हलवा या कोई भी हलवा जो आप बनाते हैं वो आप हमेशा घी में बनाएं, ऑयल में नहीं बनाते कभी भी। तो ये मैंने देसी घी जो है इसको थोड़ा सा गर्म किया है और इसमें ऐड की है इलायची। इलायची जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, उसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी देखें ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, लेकिन आँच मैंने बिल्कुल मीडियम ही रखी थी और ऑयल हो गया है गर्म। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर ऐड करने के बाद आपने इसको हिलाना है ताकि शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। लेकिन ऑयल में थोड़ा सा टाइम लगता है शुगर को डिसॉल्व होने में, पानी में थोड़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन शुगर को जब हम ऑयल में ऐड करते हैं तो इसको हमें कंटिन्यू स्टिर करना पड़ता है, तभी जाके ये अच्छे से डिसॉल्व होती है। और यहाँ पे मीडियम आँच पे ही हमने इसको डिसॉल्व करना है। बहुत टाइम लगेगा, 10 to 15 मिनट्स मुझे लगे थे इसको डिसॉल्व करने में। आप ये देखें इस तरह के इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और इसमें अब हम ऐड करेंगे वाटर। जब थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करते हैं तो इसमें छिलके इस तरह से आना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपने आप को भी देखते हैं छिलके से, क्योंकि ये ऑयल के छिलके होते हैं। अगर ये सुधारा खासा हाथ से या फेस से गिरे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। ये इसमें मैंने इसमें वाटर पहले थोड़ा सा ऐड किया, उसके बाद कंटिन्यूस हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे ताकि इसका शीरा अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया था, अब दोबारा इसमें मैंने वाटर ऐड किया है और दोबारा थोड़ा सा अभी ऐड करते हैं। जब भी आप पानी ऐड करें तो पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा वन स्टेप बैक से मिक्स कर दें। शीरा भी आपने चेक करते रहना है, जैसे चीनी डिसॉल्व होगी तो शीरा इसका गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस हमने चीनी के डिसॉल्व होने का वेट करना है। जब चीनी डिसॉल्व हो जाएगी तो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास है सूजी, जिसको तकरीबन 1 घंटा हो गया था और ये अच्छे से मिक्स भी हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखें बहुत ज़्यादा फाइन हो गई है, वो जो दानेदार सी एक होती है वो तकरीबन ये इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शीरे में सूजी को और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी को ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन आंच जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है सूजी का हलवा फ़ौरन ड्राई हो जाता है। और यहाँ पे आपने कंटिन्यूस जो है वो चम्मच हिलाते रहना है, और चम्मच आपने या तो राउंड शेप में हिलाना है या थोड़ा इस तरह से, बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं हिलाना, इससे इस अच्छा हलवा नहीं बनता है। और एक बात और जो आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने इसको कभी भी कवर नहीं करना। यहाँ पे तकरीबन हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे। जितनी ज़्यादा आप लो आंच में और अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे, इतना ज़्यादा ही इसका टेस्ट आएगा।
और चम्मच आपने बिल्कुल इसी तरह से हिलाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच हिलाना है, बहुत ज़्यादा हार्शली भी चम्मच नहीं हिलाना। घी आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब ये रेडी होगा तो घी जो है वो सूजी में बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। आप देखें कलर भी इसका थोड़ा सा वो लाइट पिंकिश सा कलर आना शुरू हो गया है, और ये जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास रेडी है सूजी का हलवा, मखंडी हलवा, और अब हम इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। मैंने इस पे आलमंड ऐड किए हैं, और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत मज़े का, बहुत अच्छी स्वीट डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।